फाइलम ऑर्थोपोडा ये 4.2.7 नंबर जो है ये टॉपिक फाइलम ऑर्थोपोडा है। फाइलम ऑर्थोपोडा, ये फाइलम ऑर्थोपोडा बता रहा है कि ये लार्जेस्ट फाइलम है। ये फाइलम ऑर्थोपोडा क्या है, ये लार्जेस्ट फाइलम है ऑफ एनिमेलिया। एनिमेलिया का क्या है, ये लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें क्या होता है फाइलम ऑर्थोपोडा में, इसमें फाइलम ऑर्थोपोडा में मेनली इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीसीज, 2/3 जितने भी हम लोग, 2/3 जितने भी हम लोग स्पीसीज का नाम जानते हैं पृथ्वी पे, ऑन अर्थ दे आर ऑर्थोपोड्स, वो मेनली क्या है, ऑर्थोपोड्स है। फिगर 4.12, फिगर 4.12 में ये दिखाया हुआ है। फिगर 4.12 हम लोग ये देखते हैं, फिगर 1.12 फाइलम ऑर्थोपोड्स में क्या क्या हैं। एग्जांपल ऑफ फाइलम ऑर्थोपोड्स दिया हुआ है, लोकस्ट है यहाँ पे, बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है और प्रॉन है। ये तो एग्जांपल ऑफ ऑर्थोपोड्स, तो लोकस्ट हो गया, बटरफ्लाई हो गया, स्कॉर्पियन हो गया और प्रॉन हो गया। ये सबका डायग्राम हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम है, ये स्कॉर्पियन का डायग्राम है सी और प्राउन का डायग्राम है डी। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, सी क्या है, ये स्कॉर्पियन है, बिच्छू, और प्राउन है जिसको झींगा बोलते हैं हम लोग। तो ये बिच्छू है स्कॉर्पियन और डी जो है ये प्राउन है। और लोकस्ट और बटरफ्लाई हम लोग आगे देखते हैं, ये लोकस्ट है, ये लोकस्ट है ये, और ये जो है बटरफ्लाई है। ये डायग्राम इसका हो गया। तो फाइलम ऑर्थोपोड क्या है, ये लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम है किस किंगडम का, लार्जेस्ट फाइलम है ये तो किंगडम एनिमेलिया का है। ये लार्जेस्ट फाइलम, इसमें क्या होता है, इंसेक्ट वगैरह जनरली होते हैं। 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर ऑर्थोपोड, ऑर्थोपोड सबसे बड़ी संख्या में है। इसमें कह रहा है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये क्या है, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है, यानी कि एक ही एंगल से इनको दो आइडेंटिकल हाफ में काटा जा सकता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इसके बॉडी लेयर में 3 लेयर से बना होता है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म से। सेगमेंटेड, ये सेगमेंटेड बॉडीज में होते हैं, बॉडी सेगमेंटेड होता है, सेगमेंटेड होता है ऑर्थोपोड्स। पैर जो है जनरली इसके सेगमेंटेड इसमें होते हैं। ये कह रहा है कि द बॉडी ऑफ ऑर्थोपोड इज कवर्ड बाय काइटेनियस इन एक्सोस्केलेटन। तो इसका एक्सोस्केलेटन कैसा होता है, एक्सोस्केलेटन, इसका एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के सबसे बाहर में लगा रहता है एक्सोस्केलेटन, ये काइटिन का बना होता है, काइटिनियस होता है। कह रहा है बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, इसके बॉडी में क्या पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, थॉरेक्स होता है और एब्डोमेन होता है। कह रहा है कि दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडिजेस, ये अपेंडिजेस जो हैं इसके ज्वाइंटेड होते हैं। अपेंडिजेस कैसे होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं। ऑर्थोस मतलब होता है ज्वाइंट एंड पोडा मतलब होता है अपेंडिजेस, इसलिए इसका नाम पड़ा है ऑर्थोपोड। कह रहा है कि रिस्पिरेशन जो होता है इस पर, रिस्पिरेशन कैसे होता है, तो रिस्पिरेशन कर रहा है या तो ये गिल से हो सकता है, या बुक गिल से हो सकता है, या बुक लंग से हो सकता है, या ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू हो सकता है। तो ये याद रखना है हम लोग को कि कैसे इसमें रिस्पिरेशन हो सकता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें या तो गिल्स हो सकते हैं, या बुक गिल्स हो सकते हैं, या बुक लंग्स हो सकते हैं, या ट्रैकियल सिस्टम हो सकते हैं। अब कह रहा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, ये देखिए ये ओपन टाइप लिखा है। ओपन टाइप का क्या मतलब है, ओपन टाइप क्या है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में नहीं रहता है, आर्टरी और वेन में ब्लड जो है हार्ट के थ्रू पंप होके नहीं जाता है, ये डायरेक्टली सेल्स एंड टिश्यू में ब्लड जाता है।
कह रहा है कि सेंसरी ऑर्गन जो इससे होते हैं, सेंसरी ऑर्गन क्या क्या होता है सेंसरी ऑर्गन, लाइक जैसे कि एंटीना हो गया, इसके आईज हो गए, या फिर कंपाउंड या सिंपल, ये दो तरह की आईज इसमें हो सकती है। स्टैटोसिस्ट, इसमें स्टैटोसिस्ट होता है ये, और बैलेंस ऑर्गन आर प्रेजेंट। स्टैटोसिस्ट क्या करता है, ये बैलेंस करता है। स्टैटोसिस्ट का काम क्या है, स्टैटोसिस्ट जो है बैलेंस ऑर्गन आर प्रेजेंट। एक्सक्रीशन कर रहा है टेक्स प्लेस थ्रू मालफेजियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, मालफेजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। कह रहा है कि दे आर डायोसियस, मोस्टली क्या होते हैं ये डायोसियस, मेल एंड फीमेल अलग अलग होता है डायोसियस। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इंटरनल। और ओवीपेरस ये क्या होते हैं, मोस्टली ओवीपेरस होते हैं ये, ओवीपेरस। और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरह से हो सकते हैं। डेवलपमेंट कैसे हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के बारे में देख रहे हैं। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट आर, कुछ इंसेक्ट जो है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है वो एपिस है, एपिस। एपिस क्या है ये, हॉनी बी है। एंड बॉम्बिक्स, ये बॉम्बिक्स है, ये बॉम्बिक्स क्या है, ये सिल्क वर्म है, ये सिल्क वर्म। लैसीफर, ये लैसीफर क्या है, ये लैक इंसेक्ट है, लैक इंसेक्ट। एपिस से हॉनी मिलता है, बॉम्बिक्स से सिल्क मिलता है, और लैसीफर से लैक मिलता है, लैक जिसे चूड़ी उड़ी बनाया जाता है। अब क्या है कि वेक्टर्स बहुत सारी बीमारियों को ये जन्म देती हैं, तो ये वेक्टर का भी काम करता है, ये वेक्टर का। ये एनोफ्लीज है, मॉस्किटो है, क्यूलेक्स है आपका, एडीज है, ये क्या है, मॉस्किटो है, ये तरह तरह का बीमारी ये फैलाती हैं। ग्रीगेरियस पेस्ट, ये क्या है, ये पेस्ट जो है, ग्रीगेरियस पेस्ट है ये। लोक्यूस्टा, लोक्यूस्टा वेल नोन है, लोकस्ट इसको बोलते हैं। लिविंग फॉसिल्स, किंग क्रैब, किंग क्रैब को जो है लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। लीम्यूलस, लीम्यूलस, लीम्यूलस को क्या कहते हैं हम लोग, किंग क्रैब बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फाइलम ऑर्थोपोड के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि ये लार्जेस्ट फाइलम है। ये क्या है, ये लार्जेस्ट फाइलम है। किसका लार्जेस्ट फाइलम है, एनिमेलिया का है ये। टू थर्ड ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ क्या है, ये ऑर्थोपोड्स है। इसमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। बायलैटरल सिमेट्रिकल ये होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिगमेंटेड होता है, सिलोमेट एनिमल होता है। ये कवर्ड बाई इसका बॉडी क्या से, काइटिनस एस्कोस्केलेटन इसमें होते हैं। बॉडी में हेड होता है, थोरेक्स होता है, और एब्डोमेन, ये तीन पार्ट होते हैं। और जॉइंटेड एपेंडिज, एपेंडेजेज होते हैं, इसलिए इसका नाम ऑर्थोपोडा पड़ा है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं, गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स हो सकते हैं, बुक लंग्स हो सकते हैं, और ट्रैकियल सिस्टम इसमें हो सकता है, ट्रैकियल सिस्टम इसमें हो सकता है। सर्कुलेशन कैसा होता है, ये ओपन होता है। सेंसरी ऑर्गन इसमें क्या होते हैं, एंटीना होता है, आई होता है। आई किस तरह के हो सकते हैं, सिंपल और कंपाउंड दो तरह के इसमें आई हो सकते हैं। सिंपल आई कितने तरह के हो सकते हैं, सिंपल और कंपाउंड दो तरह के इसमें आई हो सकते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं, आई सिंपल और कंपाउंड हो सकते हैं। स्टैटोसिस्ट, स्टैटोसिस्ट होता है बैलेंस के लिए होता है। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, मालफेजियन ट्यूबल्स के थ्रू होता है। ये डायोसियस होते हैं, अलग अलग मेल फीमेल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होता है, ओवीपेरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों इसके हो सकते हैं। एग्जांपल जो हैं ये इंसेक्ट देख रहे हैं हम लोग, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल जो है इंपॉर्टेंट है, एपिस है, होनी बी, बॉम्बिक्स है, सिल्क वर्म है, लैसीफर्स है, लैक इंसेक्ट है, वैक्टर्स हैं, मॉस्किटो जनरली, एनेफ्लिस कॉलेक्स एंड एडिस हैं ये। ग्रेगेरियस पेस्ट, ग्रेगेरियस पेस्ट क्या है, लोकस्टा है ये, लोकस्ट बोलते हैं। लिविंग फॉसिल्स किसको कहते हैं, किंग क्रैब को बोलते हैं। लीम्यूलस, लीम्यूलस, तो ये हो गया फाइलम ऑर्थोपोड के ऑर्थोपोडा के बारे में। ये डायग्राम ऑर्थोपोडा का जो है बार बार हम लोग बना के प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे।
एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोपोड्स में क्या है, ये लोकस्ट है, बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है और प्राउन है। ये डायग्राम हम लोग बार बार बनाने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे, बार बार डायग्राम को बनाएंगे तो याद करने में सुविधा होगी।